सो दैट नथिंग वुड सरप्राइज मी, जिससे कोई भी चीज़ मुझे आश्चर्यचकित ना कर सके. देन आई लिट ऑल द कैंडल्स इन द रूम एंड ड्रिव अवे ऑल द कर्टन्स टू मेक श्योर नो बडी हिड बिहाइंड देम. ओके, तभी मैंने सारी मोमबत्तियाँ जला दी कमरे की. ओके, एंड ड्रिव अवे, मैंने कमरे की सारी मोमबत्तियाँ जला दी. एंड ऑल द कर्टन्स, और सारे पर्दों को मोड़ दिया. सो टू मेक श्योर, यह निश्चित करने के लिए दैट नो बडी, कोई भी हिड बिहाइंड देम, ओके, उनके पीछे ना छुप सके. एडिशनल लाइट, अतिरिक्त प्रकाश वॉज कॉज्ड बाय द ह्यूज फायर प्लेस. फायर प्लेस का मतलब होगा बच्चों चिमनी. ओके, एडिशनल लाइट के रूप में एक बड़ी चिमनी जल रही थी. फॉर विच आई वॉज थैंकफुल, जिसके लिए मैं आभारी था. या एट लास्ट, अंत में 17 कैंडल्स वर सो अरेंज्ड, और अंत में 17 कैंडल अरेंज हुई. दैट नॉट एन इंच ऑफ द रूम डार्केंड, जिससे कमरे का एक भी इंच अंधेरा नहीं था. ओके, देन आई सैट डाउन ऑन ए बिग चेयर, तब मैं एक बड़ी कुर्सी पर बैठा. एंड यूज द टेबल एज ए बैरिकेड. बैरिकेड का मतलब होता है बच्चों प्रतिरोधक, ओके, या रुकावट. मैं एक बड़ी चेयर पर बैठा और एक टेबल को आड़ के रूप में इस्तेमाल किया. ओके, आई सैट देयर, मैं वहाँ बैठा. वेटिंग इन सॉलिट्यूड, मैं वहाँ एकांत में बैठकर प्रतीक्षा करने लगा. आई एडमिट, मैं स्वीकारता हूँ. आई ग्रेजुअली, मैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होगा धीरे धीरे. बिकम इंक्रीजिंगली कॉन्शियस, मैं धीमे धीमे, कॉन्शियस का मतलब होगा सचेत या जागरूक होने लगा. ऑफ द शैडोज, शैडोज के लिए डांसिंग अक्रॉस द रूम, जो उस कमरे में टहल रहे थे या इधर उधर घूम रहे थे. आई फेल्ट एन ऑड सेंसेशन, ऑड का मतलब अजीब, सेंसेशन का मतलब होगा बच्चों सनसनी हम बोलते हैं. ओके, मैंने एक अजीब सी हवा या अजीब सी सनसनी महसूस की. ऑफ समथिंग, मे बी अ प्रेजेंस ऑफ, मे बी प्रेजेंस लर्किंग अराउंड. लर्किंग अराउंड का मतलब होगा चारों ओर घूमना. ओके, मैंने एक अजीब सी सनसनी महसूस की जो शायद वहाँ मौजूद थी, चारों ओर घूम रही थी. आई वॉज सो नर्वस, नर्वस का मतलब बेचैन होना या घबराना. मैं जल्द घबरा गया. सडनली, अचानक. एट मिड नाइट, मध्यरात्रि में. टू कैंडल्स ब्लू आउट, दो मोमबत्तियाँ बुझ गई. आई डैश टू रिलाइट देम, डैश का मतलब होगा भागना, तेज़ी से भागना. टू रिलाइट देम, उनको जलाने के लिए मैं तेज़ी से भागा. देन टू मोर एक्सटिंग्विश्ड एट द एंड ऑफ द रूम, तभी दो और, टू मोर एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होना बुझना या समाप्त होना. ओके, तभी दो और समाप्त हो गई कमरे के अंत में. आई थॉट, मैंने सोचा. टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं सोचा. आई मस्ट हैव डन दैट, या मैंने ही किया है. दैट माई सेल्फ इन माई हरी टू लाइट द अदर, मैंने सोचा कि या मैंने ही किया है दूसरे मोमबत्ती को जलाने की जल्दबाजी में. ओके, आई डेयर टू लाइट दोज टू, मैंने उन दोनों को जलाने की हिम्मत की. बट ओनली टू हैव मोर कैंडल्स डाइंग एज ऑफ इफ दे वर क्रश्ड बाई समबडीज हैंड, मैंने उन दोनों को जलाने की कोशिश की. बट लेकिन उसे और सारी मोमबत्तियाँ बुझ रही थी. एंड इफ दे वर, और वे ऐसे बुझ रही थी. क्रश्ड बाई समबडीज हैंड, जैसे किसी ने अपने हाथों से उसे क्रश्ड करना, या फिर क्रश का मतलब बुझाना या मचलना, ओके, या दबाना, जैसे उसे किसी ने अपने हाथों से तबाह किया हो या बर्बाद किया हो. व्हाट्सअप, क्या हुआ. आई क्राइड, मैं चिल्लाया. ओके, स्टेडी ऑन, स्टेडी ऑन का मतलब स्थिर होकर. आई कम्फर्टेड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को निश्चित किया या फिर आराम दिया. हाउएवर, हालांकि. मच टू माई ग्रोइंग एप्रीहेंशन, ओके, एप्रीहेंशन का मतलब आशंका. ओके, अपनी बढ़ती हुई आशंकाओं को लेकर. द कैंडल इन माई ओन हैंड ब्लू ऑफ, मेरे अपने हाथ की मोमबत्ती बुझ गई. शेकन, आई थॉट ऑफ द फायर प्लेस, तभी
सर हिलाकर मैंने चिमनी के बारे में सोचा एंड ग्रेसफुल फॉर द कॉन्स्टेंट लाइट, और उस निश्चित प्रकाश के लिए, कॉन्स्टेंट का मतलब निश्चित या नियत प्रकाश के लिए आभारी था। बट मच टू ऑफ माई हॉरर, लेकिन मेरे डर के, बढ़े हुए डर के कारण, दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, इवन द फायर प्लेस एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होगा बच्चों बुझना, उसी समय वो चिमनी भी बुझ गई। नॉट एबल टू बियर इट एनी लॉन्गर, वो जलने के योग्य नहीं थी। आई रैन अक्रॉस द रूम टूवर्ड द डोर, मैं तेजी से दरवाजे की ओर भागा, इन ऑर्डर टू गेट आउट द रूम, कमरे से बाहर जाने के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, आई फाउंड द डोर, मैंने दरवाज़ा पा लिया। बट आई ट्रिप्ड, ट्रिप्ड का मतलब होगा बच्चों फिसलना, ओके। बट आई ट्रिप्ड ओवर, लेकिन मैं फिसल गया, फर्स्ट माई चेयर, पहले अपनी चेयर पर, एंड देन द बेड, और देन बेड पर, हाफ आउट ऑफ माई माइंड एंड क्राइंग आउट अलाउड, ओके, हाफ आउट ऑफ माई माइंड, अपने आधे दिमाग से बाहर होकर, एंड क्राइड आउट अलाउड, तेज़ी से चिल्लाकर, आई ट्राइड रनिंग, मैंने भागने की कोशिश की। माई लास्ट मेमोरी वॉज, मेरी आखिरी याद यह है कि ऑफ बींग हिट बाई समथिंग, किसी चीज़ से चोटिल होना, एंड देन फॉलिंग इन टू डीप स्लीप, और गहरी नींद में सो जाना, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, टुमोरो वी विल कंटिन्यू विथ अवर नेक्स्ट पैसेज, ओके, एंड देन अदर एक्सरसाइजेज, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट योर सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स, you can contact on these numbers on your screen, and for any further information about your school you can also contact on these numbers. So keep learning, stay safe, and don't forget to subscribe your school YouTube channel Sumit Singh Convent School on YouTube. Thank you.